नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि पोखरियाल। करवा चौथ का त्योहार सभी शादीशुदा महिलाओं के लिए बेहद ही खास होता है। साल भर शादीशुदा महिलाएं इस त्योहार का बड़ी बेसब्री से इंतजार करती हैं। आम महिलाओं से लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस भी करवा चौथ के त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाती है। ऐश्वर्या राय से लेकर शिल्पा शेट्टी तक सभी अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। तो आज हम आपको ऐसी ही कुछ सेलिब्रिटी जोड़े के बारे में बताएंगे जो पहली बार करवा चौथ का त्योहार मनाएंगे। सबसे पहले बात करें बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास की। इस फेमस कपल की शादी के बाद ये इनका पहला करवा चौथ है। प्रियंका चोपड़ा ने पिछले साल 1 दिसंबर 2018 को हिंदू और ईसाई दोनों परंपराओं से अमेरिकी सिंगर निक जोनास से शादी की थी। इसके बाद बात करते हैं बॉलीवुड के सबसे रोमांटिक और क्यूट कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की। दोनों पिछले साल 14 नवंबर 2018 को शादी के बंधन में बंधे थे और शादी के बाद दीपिका पादुकोण भी इस साल अपना पहला करवा चौथ मनाएगी। दोनों ने सिंधी और कोंकणी परंपराओं के अनुसार ही शादी की थी। उधर कॉमेडियन कपिल शर्मा ने 12 दिसंबर 2018 को गिनी चतुर्थ से शादी की थी। शादी के बाद इस जोड़े का ये पहला करवा चौथ है। बता दें कि कपिल शर्मा की पत्नी गिन्नी प्रेग्नेंट है और ऐसे में गिन्नी का व्रत रखना ठीक नहीं होगा। अब देखना ये है कि क्या कपिल खेल को उलट करके अपनी पत्नी और बच्चे के लिए व्रत रखते हैं या नहीं। वहीं इस साल सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाली बंगाली फिल्मों की एक्ट्रेस और टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने बिजनेसमैन निखिल जैन से शादी की थी। बंगाली मुस्लिम परिवार से आने के बावजूद भी नुसरत पूरे हिंदू रीति रिवाज को फॉलो करती हैं। नुसरत को अक्सर सिंदूर और लाल चूड़ियों में भी देखा जाता है। इस साल सांसद नुसरत ने दुर्गा पूजा के दौरान सिंदूर खेला भी खेला था। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पहली बार सांसद बनी नुसरत जहां करवा चौथ पर उपवास करती हैं या नहीं। वैसे उनका ये व्रत रखना बिल्कुल कंफर्म माना जा रहा है। बता दें पिछले साल अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने अपना पहला करवा चौथ मनाया था जो काफी दिनों तक सुर्खियों में भी रहा। दोनों की केमिस्ट्री को लोगों ने खूब पसंद किया। बता दें विरुष्का 11 दिसंबर 2017 को शादी के बंधन में बंधे थे। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।